हेलो हेलो फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। चलिए देखिए, आज मैं फ्राई कुरकुरी भिंडी बनाने जा रही हूँ, तो इसकी रेसिपी आप लोग देखिए, ट्राई कीजिएगा। ये भिंडी है, इसको मैंने अच्छे से धो के पोंछ के कपड़े से इसको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया, चीरा लगा लिया है। एक भिंडी में से चार टुकड़े किए हैं, ऐसे पतला पतला। देखिए आप इसी को, चलते देखिए कैसे बनाते हैं, बनाने जा रही हूँ। तो इसमें पहले हम, इसमें बिज्जी होता है तो इस बिज्जी को थोड़ा निकालना है हमें। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, सूजी डाल के 2 चम्मच सूजी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। सूजी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि इसको अच्छे से मिक्स करने से इससे क्या होता है कि इसका जो भिंडी का बीज है वो सारा बाहर आ जाता है। तो हम ऐसे से इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से ही। देखिए ऐसे मिक्स करना है, फिर थोड़ा देर के बाद इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे तो इसका भिंडी का जितनी बिज्जी है सारा बाहर आ जाता है। देखिए एक भिंडी में से सारा हम जो इसका बिज्जी है वो नीचे बैठ गया है। इसको एक अलग बर्तन में हम कर लेते हैं, ताकि नीचे आप लोग को दिखाएं। इस सूजी से सारी भिंडी बाहर, भिंडी का जो बिज्जी है देखिए सारा बाहर आ गया। तो हम इसमें मसाले डालेंगे। देखिए इसका सारा भिंडी का बिज्जी सारा है, देखिए सारा बिज्जी ऐसे निकल जाता है। तो बिज्जी निकल जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं बिज्जी के साथ कुरकुरी भिंडी अच्छी नहीं लगती है। सूजी डाल के ऐसे ही निकाल लिए हम इसको। ये देखिए इसको हम एक बर्तन में निकाल लिए सारे भिंडी, भिंडी का बिज्जी सारा झाड़ के निकाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर, एक कलर वाला मिर्ची है और एक तीखा मिर्ची है, थोड़ा सा तीखा मिर्ची चाहिए, तीखी वाली मिर्ची है, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच और इसमें थोड़ा हींग भी डालेंगे। स्वादी होता है भिंडी भी जरूर डालना चाहिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा अमचूर पाउडर खट्टा के लिए, क्योंकि खट्टा तीखा ही बनता ही है। तो इसमें थोड़ा 1 चम्मच ये भी डाल दिए। अब इसमें मेन जाएगा 2 चम्मच बेसन का, बेसन जाएगा 2 चम्मच, 2 चम्मच बेसन भी डाल दिए इसमें हम। और इसको कुरकुरा करने के लिए इसमें थोड़ा 1 चम्मच भर के एक कॉर्नफ्लावर हम डाल रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक अभी हम जब फ्राई करेंगे तब डालेंगे इसको। इसको अच्छे से मिक्स करके पहले काट मिक्सी भी आप छोड़ देते हैं, थोड़ा मसाला अच्छे से कोटिंग हो जाए। जरा सा भी लासा नहीं रहेगा, जो भिंडी में लासापन होता है, लबलबा नहीं रहेगा, अच्छे से एकदम फ्राई होता है ऐसे। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं तो दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये हमारा हो गया, इसमें अजवाइन भी डालना है, क्योंकि बात ही होता है तो अजवाइन इन दोनों डालना चाहिए भिंडी में। तो ये अजवाइन थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे, चल रहे हैं फ्राई करने, 10 मिनट हो गया इसको। नमक डाल के इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको कुरकुरी भिंडी फ्राई करेंगे। इसको फिर हाथ से अब मिक्स कर लेते हैं सारा चीज। देखिए ये तेल है हमारा गरम हो गया है, सरसों का तेल, आप किसी चीज में बना सकते हैं, चाहे रिफाइंड ऑयल हो चाहे तेल हो। तो हम देखिए ऐसे इसको चारों तरफ से फैला फैला के डाल देंगे। आज को हम पहले गर्म कर लिए थे, फिर उसके बाद आज धीमा कर लिए हैं, तुरंत नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर के बाद चलाएंगे। इसको थोड़ी देर बाद चलाएंगे, थोड़ा सा मतलब हो जाए तब चलाएंगे।
ये बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। ये होटल होटल में आप लोग खाना खाते होंगे तो पता है वहाँ से मिलता है कुरकुरी भिंडी। देखिए इसको ऐसे पका लेंगे। देखिए ये हो गया। अब इसको एक थाली पे निकाल लेते हैं कुरकुरी भिंडी। देखिए देखिए ये भी हो रहा है। दोबारा वाला भी तो डाली हमने। ऐसे भिंडी जरूर बनाइएगा आप लोग और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा बना कैसा नहीं। देखिए हमारा भिंडी सारा कुरकुरा फ्राई हो गया। देखिए इसकी आवाज कितनी कुरकुरी लग रही है। अब इसमें हम ऊपर से मसाले बना के डालते हैं। देखिए उसका ट्रिक अब चल रहे हैं आप लोग को दिखाते हैं। इसके लिए हमें क्योंकि इसका मसाला थोड़ा बहुत तेल में भी गिरा हुआ है तो इस हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा वक्त मसाला पर डालेंगे। तो इसमें थोड़ा एक गरम मसाला ले लूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, और थोड़ा चाट मसाला डालूँगी। चाट मसाला थोड़ा सा एक चम्मच, छोटे चम्मच से एक चम्मच, और थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी को हल्का सा तवा पे रोस्ट करके इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। और इसको हम अभी उसमें अब तेल है तो तेल इसके अंदर अभी तेल पड़ा ही है ये भिंडी फ्राई में, तो इसी के ऊपर हम सारा मसाला को अच्छे से कोडिंग कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे से आए। और इसको हम अच्छे से सारा मिक्स कर देते हैं। ये हमारी लाजवाब पूरी भिंडी तो रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, दाल चावल जिससे भी खाना है खाइए। और हमें जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है हमारा ये पूरी भिंडी। देखिए ये भिंडी भिंडी को एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा पूरी भिंडी को, और कमेंट कर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट पक्का किया करिए आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।